इरानियन, ये जो शब्द है आज के समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। हुआ यहाँ पर क्या है कि जो बाइडेन को एक काम दिया गया कि अमेरिका के पार्लियामेंट में खड़े होकर आपको ये बोलना है बस कि अमेरिका की जनता, अमेरिका की सरकार खड़ी है यूक्रेनियन लोगों के साथ, मगर बाइडेन ने ये बोल दिया। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. अब जब बाइडेन के मुंह से यूक्रेनियन की जगह इरानियन निकल गया और इन्होंने अपनी गलती भी ठीक नहीं करी, आधा पार्लियामेंट कंफ्यूज हो गया कि ताली बजाएं खड़े हो या फिर बाइडेन ने कोई नई बात यहां पर कर दी है कि पुतिन ने ईरान पर अटैक कर दिया वगैरह। पीछे इनके आप अगर देखोगे तो कमला हैरिस ने भी अपने लिप से यहां पर कह दिया अरे यूक्रेनियन बोलना था। और ये सब देखिए एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब ज़ेलेंस्की लगातार कॉल कर रहे हैं बाइडेन को और ये कह रहे हैं अब तो अपनी मिलिट्री भेज दो, मगर यूएसए का यहां पर क्लियर स्टांस है कि थोड़े बहुत वेपन भेज देंगे, कुछ मिलियन डॉलर भेज देंगे, मगर यूक्रेन को बचाने के लिए यूएस नहीं आएगा। Come on, man.